बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो विदाउट कोचिंग के। यस, मैं बात करने वाली हूँ विदाउट कोचिंग आप कैसे नीट में 360 में से 360 मार्क्स ला सकते हो। मैं सिर्फ टिप्स देने नहीं आई हूँ, मैं साथ में करवाऊंगी भी और मैं बताऊंगी कैसे आप 360 में से 360 मार्क्स ला सकते हो। बोलना आसान है बट एक्चुअली में नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप तक, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। कम से कम टाइम में मैं अपना वीडियो खत्म कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है वो है, पहले तो हमें पूरे प्लान के साथ वर्क करना होगा तभी पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है अवॉइड पर। अवॉइड में आप लोग हजार चैनल सर्च करना बंद करो, तो एक चैनल या दो चैनल को मेन बनाओ जिसे आप डेली देखो और समझो और एनसीईआरटी पे मेन फोकस करो। फिर सेकंड है, एक्स्ट्रा मटेरियल पे बिल्कुल ही फोकस ना करें। पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से करें, उसे अच्छे से 100% कम्प्लीट करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को करें, देन आप सेकेंड में एक्स्ट्रा मटेरियल पे फोकस करें। एक्स्ट्रा मटेरियल आप किसी टीचर से ले सकते हो, समझ सकते हो, या फिर मैं करवाऊँगी सारा सिक्वेंस में। पहले एनसीईआरटी करवाऊँगी, फिर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल भी करवाऊँगी। मैं आज से डेली वीडियो अपलोड करूँगी, सिर्फ बायोलॉजी का प्लस टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सिर्फ डेली में डालूँगी। मैं ट्राई करूँगी वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि रिविजन भी करना बहुत कम टाइम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। पहले कौन कौन सा चैप्टर करना है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, पहले वो चैप्टर हम सेलेक्ट करेंगे। फिर जो कम वेटेज वाला है छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सारा है। पहले जो मेन चैप्टर है जिसका वेटेज ज़्यादा है वो चैप्टर पहले करेंगे और सेकेंड में जिसका वेटेज कम है वो बाद में करेंगे। तो पहला जो हम बात करने वाले हैं वो 11th के पोर्शन की। हमारे पास दो बुक है, एनसीईआरटी 11th का और एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी। पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी 11th की। 11th में 5 यूनिट है, 12th में भी 5 यूनिट है। 11th का बात करते हैं, सबसे पहले इसमें जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट फर्स्ट पहले हम करेंगे, इसमें पहला चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड में आता है एनिमल किंगडम, फोर्थ में आता है प्लांट किंगडम। ये भी अच्छा खासा बेटे पहला चैप्टर है और वैसे भी हमें इसे कंप्लीट करना है पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी का बेसिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड में हम जो मूव ऑन करेंगे वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी करेंगे, सेल में पहला जो चैप्टर है वो है सेल, फिर बायोमॉलिक्यूल्स, फिर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। फिर हमारा जो यूनिट 2 का मतलब सिक्वेंस में हम पहले सेल बायोलॉजी करेंगे, फिर हम यूनिट 2 का करेंगे। तो वो वाला हम चैप्टर करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट्स का। उसमें जो पहला चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी, सेकंड में एनाटॉमी करेंगे, थर्ड में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स करेंगे। इसके बाद हम सीक्वेंस में करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ये हमारा था 11th का टॉपिक। अब हम आएंगे 12th में। 12th में हम सबसे पहले करने वाले हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारा 4 चैप्टर आता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यू। ये 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यू। करना हमें सारा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद आता है इवोल्यूशन। देन हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजेनिक्स एप्लीकेशन। इसके बाद है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर करेंगे, उसमें है 3 चैप्टर, ह्यूमन वेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके बाद है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देन लास्ट में हम रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 60 डेज बचा हुआ है, टाइम कम है करना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हम ट्राई करेंगे बहुत कम से कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करें और इसके बाद रिविज़न भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।